नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। भाजपाइयों को देख भौचक रह गए दलाल। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पशु तस्करों व बरामद मवेशियों को मुक्त कराने के लिए पुलिस चौकी सहसो पहुंचे, तथा कथित दलालों की भाजपा के पदाधिकारियों के आगे एक नहीं चली। मंडल अध्यक्ष अनिल सरोज की अगुवाई में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने दलालों की साठगांठ करने की भनक लगते ही तत्काल मामले की जानकारी एसएसपी के पीआरओ को दी गई। फिर क्या था, संदेश प्रसारित होते ही पुलिस हरकत में आ गई और दलालों को उल्टे पांव वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहरहाल, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पशु तस्करों व बरामद मवेशियों को लेकर दिन भर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। जो बोलना है आप लोगों को, चूतिया नहीं हूँ मैं, एकदम चूतिया नहीं हूँ मैं, अगर समझ लीजिएगा। हमारे साथ हजार सर कहाँ हैं? भाग गए पट्टी बात की अगर समझ चला रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप हमारे खिलाफ करोगे। रुक जा, पकड़ रहा हूँ फाइल। कहाँ के रहने वाले? जहानाबाद। कहाँ से? जहानाबाद। जहानाबाद से जी। ये कहाँ से लेकर आ रहे हो बछड़ा ये? अरे साहब, बंजारे जब होते हैं तो चराया नहीं करते, बहुत एक होते हैं तो नहीं के मतलब वही घूम रहे हैं ये खेतन खेतन। दूसरे तो किसान लोग अभी भर के लाठी से इसमें आग दिया, भर दिया था। हमसे कहा कि इलाहाबाद तक चले जाओ तुम, इनका पानी सानी करवा देना जाके। हमें इतनी तक आए पर नहीं जानते कि इधर तक नहीं हम उतरते। तो कहाँ लेके जा रहे थे? अब हिंद तक के लिए हम यहीं से हम चले जाते, इधर तो चार जहाँ ले जाते। गाड़ी किसकी है? गाड़ी हमें नहीं मालूम था किसकी है, इलाहाबाद। तो फिर आप इस गाड़ी पे कैसे आ गए? अरे वही ये ड्राइवर गए मान ले उधर, हम गए थे इधर से बंजारा के साथ में उधर थे। क्या ड्राइवर को आप पहचानते हैं? नहीं पहचानते साहब। ड्राइवर को आप जानते भी नहीं? हम जानते नहीं इलाहाबाद। फिर आप उसकी गाड़ी बढ़ कैसे गए? भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष बीजेपी सांसद। मेरा घर ये मान के लिए कि जो कथरुआ कला गांव है, लेकिन जो सांसों चौकी है वो मेरे गांव में। मेरे गांव में कथरुआ कला में, सांसों में नहीं है, कथरुआ कला में चौकी। तो ये वैसे जो पकड़े गए यहाँ पे बछड़ा लेके जा रहे थे गाड़ी से, क्या आपने आपको जानकारी कहाँ से मिली इसके बारे? मुझे जानकारी मिली, मैं हाईवे की तरफ जा रहा था, मुझे पता चला कि अभी गाड़ी पकड़ के चौकी में गए, तो मैं वहाँ से तुरंत लौटा। लौटने के बाद हमने कहा गाड़ी कहाँ है, मैं तो रोड पर जाके देखा तो गाड़ी नहीं दिखती, क्योंकि हमारा तो लोकल है ना, हमारा गाँव है, हमको सब पता है। मैं जब अंदर घुसा तो देखा तो अंधेरे में गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने आके देखा, इसमें देख रहे हैं जो नंबर लिखा है जितना जीरो है या तो 8 बना दिया गया है, मतलब उसको UP 70 को 78 बना दिया गया है इस गाड़ी में, और चौकी के पीछे खड़ी है। मैंने उसकी पूरी वीडियो बनाया हूँ। वीडियो बनाने के बाद जब मैं रोड पे गया, रोड से लौट के आने के बाद मैं यहाँ जब दोबारा वापस आया गाड़ी के पास, तो यहाँ पे एक साहब लाल सिपाही हैं सांसों चौकी में, संतोष सिंह। ये लोग गाड़ी का मतलब जो पर्दा बना था, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाया था हमारे पास वीडियो है, उसमें पर्दा बना था जी। तो ये लोग खड़े होकर पर्दा उतरवा रहे थे, ठीक है जी। और अभी जब फाटक खुला मेरे सामने, तो कुछ मवेशी तो खड़े हैं, कुछ पड़े हैं, नहीं मान के चलिए मर चुके होंगे इस कंडीशन में, इस गाड़ी में लदे हैं। गाड़ी भी दिखा दीजिए आपको, कि गाड़ी दिख रही होगी, बंद है। ये कंडीशन है, अगर भाजपा के सरकार में इस तरीके से खड़े हुए, और मुझे पता है गाड़ी कम से कम 2 घंटा हो गया खड़े हुए, 2.5 घंटे 2 घंटे से गाड़ी यहाँ पर खड़ी खड़ी है अभी तक, कि ये बछड़े यहाँ छोड़े नहीं गए, ऐसे पड़े
ऐसे पड़े हैं इस तरीके से, कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब इसकी व्यवस्था तो मैं अब बोल रहा हूँ, तो मैं सरकार से भी इस बात के लिए, संगठन से भी, अपने संगठन में अपने डिप्टी सीएम से जो भी होगी मैं इस बात को पहुँचाऊँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब क्या होगा इसमें, इस तरीके से अगर चलेगा तो कैसे होगा। हम लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं और इसके खिलाफ इस तरीके से, अगर इस तरीके से काम होगा तो कैसे काम चलेगा। देख लीजिए एकदम अंधेरे में गाड़ी खड़ी है, अगर लाइट बंद कर लें तो गाड़ी नहीं दिखेगी आपको। तो मेरा यह कहना है कि मतलब ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे बोलो इरशाद, कहाँ के रहने वाले हो? हटवा। ये कहाँ से लाते थे वो जी? हम इसको नहीं बता सकते, ये लोग बता सकते हैं। कौन? ये ड्राइवर। तुम कहाँ मिले फिर इनको? हम इनको यहाँ पे मिले, हमको भेजे भेजे बोले कि ड्राइवर के पास जाओ, हम बिगरम चलाते हैं, हम वहाँ से गए तो हमको बुलवाया कि कौन भेजा? कौन भेजा तुमको? हमको वॉइस भेजे थे। वॉइस? ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बमरौली के रहने वाले। बमरौली के तो भेजे हमको, कहाँ 7,000 रुपये दे देना और दे के ड्राइवर को लेके चले आना। किसको? ड्राइवर को, यहाँ थाने। पैसा किसको देने को रहे हैं? ड्राइवर को दिया तुमने? हाँ, ड्राइवर रोड पे खड़ा था, बात हो रही थी, हमारे रोड पे देने उसको पैसा। कितना पैसा दिए? देने 7,000 रुपये आए थे। 7,000 रुपये दिया? बाइक से थे हम अपने, यहीं जब आए देने तो ड्राइवर खड़ा था तो वो बैठ लिया, उछल के कह रहा जब बढ़ाओ गाड़ी, तो हम गाड़ी घुमा गए काम ये सब पकड़ लिए, तो मालूम चला कि ये काम ही नहीं पूछो, ये है। तो पैसा आपने ड्राइवर को दिया कि नहीं? हाँ, ड्राइवर को हम दिया। दिए पैसा ड्राइवर को? हाँ, ड्राइवर को पैसा मैंने यही दिया थाने। थाने पे पैसा तुमने थाने पे दिया है? बाकी हमको ये जानकारी नहीं, कभी हमारा कोई इतिहास पूरा आप कहीं भी चेक करवा लीजिए, ये लेबर है वो ड्राइवर है, बता नहीं सकते हमको कभी कहीं, कभी ये सब काम लोग। हम लोग तो जाते हैं नहीं, हम तो वहाँ हम तो देखो नहीं कि तुम पैसा आपको वैसे लेके भेजा था कि लेके जाइए ड्राइवर को दे दीजिए, तो आपने पैसा ड्राइवर को दे दिया? कितना? 7,000। ठीक है, हर 0 को 8 बना दिया। यूपी 70 को 78 बना दिया। देखो इसका नंबर, देखिए हर 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 0 को 8 बना दिया, देख लीजिए यूपी 70 है क्या है नहीं पता, देखो उसको कैसे बनाया उधर, देखिए यूपी 70 उसको गलत है, मतलब इसी में समझ में आ जाएगा गलत है कि सही है, ऐसा क्यों किया है। पीछे गाड़ी देखिए ऊपर क्या है इसमें, पीछे गाड़ी देखिए, पूरी रिकॉर्डिंग देखिए, पूरी काम देखिए। क्या हुआ? क्या हुआ है? आओ उधर देखो, उधर पीछे खोलिए, घर पीछे वाला घर खोलिए, तो पीछे घर खोलिए, घर खोलिए, पीछे गेट खोलिए, गेट खुलते गिर जाएंगे, उसमें अरे गेट खोलिए, गिरने दीजिए, खोलिए गेट खोलिए भाई, खोलिए बोल रहे हैं, खुल जाएगा, है समझ रहे हैं सर, आपको पहचान रहे हैं।
इसमें कोई ड्राइवर नहीं थे क्या? ड्राइवर कहाँ गए थे? ड्राइवर कहाँ गए? ड्राइवर खोलिए। ये खास रिपोर्ट थी अजय विश्वकर्मा की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।